फाइनल एग्जाम के पहले तो पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाता हूँ। सोचो बच्चों की क्या बीतती है। सुमायरा की हाइट बढ़ने का यही एक राज है। पेंसिल बॉक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज है 12th मार्च और कल क्या है? कल है 13th मार्च। अरे कल 13th मार्च तो है लेकिन कल क्या है? फर्स्ट फाइनल एग्जाम। और मैं बिल्कुल भी डरी नहीं हुई हूँ क्योंकि मम्मा ने मुझे अच्छे से पढ़ाई करवा दी है। दोपहर तक मैंने 80% पढ़ाई कर ली। सुबह उठ के मैंने पढ़ाई कर ली थी, सिर्फ 20% पेंडिंग है और वो मैं कर लूंगी आराम से। 20% ही मुश्किल हो जाती है एंड वाली, 80% तो खत्म हो जाती है ना। इसीलिए हमें लग रहा है कि 80% कर ली तो 20 क्या चीज़ है, और 20 ही मुश्किल हो जाती है। हम बोलते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई, वो पूंछ ही बड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी दोपहर है, शाम का टाइम है, रात तक का टाइम है, हम वो 20% पढ़ाई ख़त्म कर लेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि सुमायरा ने सुबह से लेकर दोपहर तक क्या क्या पढ़ाई की। और सुबह से लगी हुई है ये बोर्ड पे प्रैक्टिस करने के लिए, नोटबुक पे प्रैक्टिस करने के लिए। लास्ट व्लॉग में मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे, कुछ लोगों ने लिखा था कि मेरे एग्जाम बस 2 दिन में शुरू होने वाले हैं और कुछ लोगों ने लिखा था कि मेरे एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम लिखो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और जिन्होंने सुमायरा को ऑल द बेस्ट लिखा है उनको सुमायरा की तरफ से, सुमायरा की फैमिली की तरफ से थैंक यू। जो हमने लास्ट व्लॉग पोस्ट किया था ना जिसमें मैं सुमायरा को टिप्स दे रही थी, उसमें भी बहुत सारे आपके कमेंट्स आए हैं, आपके क्वेरीज आई हैं जिनको मैं अभी रीड करूंगी आपके सामने। वैसे मैंने कुछ कुछ कमेंट्स तो पढ़ लिए थे, उनका आंसर भी दे दिया था, लेकिन सबका रिप्लाई मैं नहीं कर पाई। इसीलिए मैंने सोचा कि जब मैं व्लॉग शुरू करूंगी तो उसी टाइम आप सबके कमेंट्स रीड करके आपको आंसर कर दूंगी। और जितने भी हमने स्टडी रिलेटेड व्लॉग्स पोस्ट किए हैं आपने बहुत सारा प्यार दिया है, ऐसे आप सुमायरा के हर एक व्लॉग को ढेर सारा प्यार देते रहना। तो चलिए पहले सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट कमेंट है किसी का, उन्होंने पूछा है विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी? आई स्टडी इन 4th स्टैंडर्ड। सेकंड कमेंट है, हे मैम मैं फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो देख रही हूँ, प्लीज LKG क्लास की टिप्स बताइए, मुझे कुछ हेल्प मिल जाए अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, प्लीज जल्दी बताइए। जब सुमायरा LKG में थी तो मैं सुमायरा को जिस तरह से पढ़ाती थी मैं वही टिप्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि जो भी टॉपिक्स सुमायरा के होते थे हर एक सब्जेक्ट के, मैं उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करती थी और जो भी वर्कशीट्स आती थी उनके मैं कलरफुल प्रिंटआउट्स लेती थी और वही सुमायरा को देती थी, अंडरस्टैंड करवाया टॉपिक और वर्कशीट को सुमायरा सॉल्व करती थी, क्योंकि वो कलरफुल होते हैं तो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, तो बच्चे उस वे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं रैदर बुक या नोटबुक पे हम कुछ लिख के दें। तो यही इस टाइप की कुछ टिप्स होती हैं, आप गूगल से वर्कशीट्स निकालिए, उनके प्रिंटआउट्स लीजिए और बच्चों को उस तरह से पढ़ाइए रैदर यूजिंग बुक्स, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाओगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे पढ़ाई में। उसके बाद है, मैं बांग्लादेश से देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच। फिर किसी का कमेंट है, ये वीडियो देखकर मुझे फाइनल एग्ज़ाम्स का वेट हो रहा है। पहली बार मैंने ये कमेंट पढ़ा है कि फाइनल एग्ज़ाम का भी कोई वेट करता है। उसके बाद किसी ने लिखा है, मैं आपके सभी ब्लॉग देखता हूँ, थैंक यू सो मच। फिर सुमायरा आपको ऑल द बेस्ट लिखा है किसी ने, ऑल द वेरी बेस्ट सुमायरा फॉर योर एग्जाम, आई ऑल्सो हैव एग्जाम्स गोइंग ऑन, तो आपको ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, ऑल द बेस्ट सुमायरा एंड सुमायरा, माई नेम इज ऑल्सो सुमायरा, सेम नेम बट नेम एट होम इज मिष्टी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हाय मिष्टी, मैं फाइनल एग्जाम के पहले तो पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाता हूँ। अरे बेहोश हो जाओगे तो आपका एग्जाम कौन देगा, बेहोश नहीं होना है, बाद में आराम से खूब सोना है, पहले अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसके बाद फिर से ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाय सुमायरा यू आर सो क्यूट एंड मेरी बेटी आपके सब व्लॉग्स देखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है आपको फॉलो करना, आपकी जितनी ही है वो मेरी गुड़िया, तो मेरी गुड़िया के कमेंट का रिप्लाई करना, पक्का पक्का आपकी गुड़िया के कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी गुड़िया को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। बी पॉजिटिव, एग्जाम से नहीं डरते, देखो कमेंट भी आ गया है। वी लव दिस वीडियो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, प्लीज 10th क्लास के एग्जाम्स की टिप्स। किसी और ने उनको रिप्लाई दिया है, हाउ कैन शी गिव यू 10th क्लास टिप्स व्हेन शी हैज़ अ डॉटर हु इज इन 3rd, 4th, or 5th। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, शायद मैंने कभी आपको नहीं बताया है कि शादी से पहले मैं टीचर थी, 7 to 8 years मैंने टीचिंग की है और
शादी के बाद ये सब कुछ छूट गया। अब मैं सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाती हूँ। पहले मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती थी, इवन मैंने प्ले ग्रुप से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ाया हुआ है, स्कूल में भी और ट्यूशन पे भी। अब मैं मेरी मम्मी की स्टूडेंट हूँ, सिंगल स्टूडेंट, सिंगल टीचर, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ मैं। देखो तो मैंने हर एक सब्जेक्ट हर एक क्लास को पढ़ाया हुआ है, तो 10th को भी मैंने पढ़ाया है। तो 10th के लिए हम लोग अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलते थे कि आप ग्रुप स्टडी करो, क्योंकि ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि अगर आपका कोई डाउट है तो आपके फ्रेंड्स आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स को डाउट है तो आप उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जब हम एक्चुअल में स्टडी करने बैठते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, ये कैसे सॉल्व करना है, तो उस टाइम आप कन्फ्यूज हो जाते हो। तो अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो आप एक दूसरे फ्रेंड्स की हेल्प से उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। तो मेरे पास ये टिप था जो मैंने आपको दे दिया है, आप फॉलो करके देखिए, होप आपको बेनिफिट मिले। आप एक डॉल अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आओ एग्जाम्स के बाद पक्का। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि सुमायरा ने आज सुबह से दोपहर तक कितनी पढ़ाई की है। ये देखो पूरी नोटबुक भरने वाली हो गई है। यहाँ से सुमायरा ने पढ़ना शुरू किया और पेजेस देखते जाइए आप, सुमायरा टर्न करते जाओ। अभी अपना पेंडिंग क्या क्या है? 4 टॉपिक्स पेंडिंग है। कौन कौन से? साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोफोन्स, इडियम्स। ग्रामर पेंडिंग है ना? Yes. बाकी हमने टेक्स्ट बुक खत्म कर ली, वर्कबुक खत्म कर ली, क्लास वर्क खत्म कर ली, होमवर्क खत्म कर ली, और साथ में पैराग्राफ राइटिंग कौन करेगा? वो तो मेरे दिमाग में से ही निकल गया, क्योंकि मैम ने उसको क्लास वर्क पे कॉपी नहीं करवाया, इसलिए दिमाग से निकल गया। मैम ने बोला कि आप टेक्स्ट बुक में से रेफर ले सकते हो और अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। तो अब एग्जाम में आप ओन वर्ड्स में लिख लोगे या आपको बुक में से याद करना पड़ेगा? नहीं, मैं अपने ओन वर्ड्स में लिख लूंगी। और इवन कि एक बार टेस्ट भी हुआ था तो मुझे 10 out of 10 आए थे, तो मुझे हौसला हो गया था, चलो ठीक है बिना याद किए भी मैं लिख सकती हूँ। तो फिर आपको वो वाली लाइन्स याद है? अरे मम्मा, ओन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो माइंड में आए वो लिख दो। तो फिर अभी मैं आपको बोलूं कि आप लिख के दिखाओ, दोनों पैराग्राफ्स लिख लोगे? यस, ओन वर्ड्स में लिख लेंगे बिना याद किए। यस, श्योर? यस। चलो सुमायरा को लिखवा कर देखते हैं कि सुमायरा अपने ओन वर्ड्स में ये दोनों पैराग्राफ्स कैसे लिखती है। तो ये साइनोनियम एंटोनियम का चैप्टर है, इसमें सिंगल वर्ड भी आ सकता है, इस तरह से टिक द करेक्ट ऑप्शन भी आ सकते हैं। और फिर ये होमोफोन्स का एक चैप्टर है, इसमें टोटल 18 हैं। और ये इडियम्स हैं, ये कितने हैं? ये भी 17 हैं। और पैराग्राफ राइटिंग तो सुमायरा ने अपने ओन वर्ड्स में कर ही लिया है, तो उसको करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो सुमायरा आप ये चारों टॉपिक ना अच्छे से पढ़ लो एक बार। टॉपिक्स पेंडिंग है, होमोफोन्स और इडियम्स। ब्रेक चाहिए, ब्रेक लेके क्या करोगे आप? टेरेस पे चले। यस, वॉक करने आई थी और मैंने अपना स्कूटर भी उठा लिया है। हाँ, तो वॉक करने आए थे तो वॉक करनी थी ना। Yes. एक काम करो, 10 minutes वॉक कर लो और 10 minutes अपना ये स्कूटर चला लो। 5 minutes कहाँ पे लटक जाएगी? यहाँ पे लटक जाएगी। चलो पहले कैसे लटकती? हाँ, सुमायरा की हाइट बढ़ने का यही एक राज है, जब भी ये टेरेस पे आती है ना तो यहाँ पे लटक जाती है, ये देखो। घर पे तो ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ पे सुमायरा ऐसे लटक सके, तो ये टेरेस पे आके पॉसिबल होता है। हाथ लाल हो जाते हैं। हाँ, चलो स्कूटर चला लो फिर वॉक करते हैं। वाओ, एप्पल, ग्रेप्स, देखो डिजाइन कितना प्यारा है। हाँ, इसको खा जाओ आप, अभी सारी प्लेट फिनिश करनी है आपको, ताकि आप में एनर्जी आ जाए, आपका पेट भर जाए और फिर से हम बाकी के पेंडिंग टॉपिक्स कवर कर सकें। ओके। सुमायरा ने सारे पेंडिंग टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, साइनोनियम्स, इडियम्स, एंटोनियम्स
और देखो मिस्टेक्स हुई थी तो कट कर दिया, इसको मैंने बोला था पेंसिल से लिख लो, ये बोलती नेक्स्ट क्लास में तो मुझे पेन से लिखना पड़ेगा, हैबिट होनी चाहिए, तो इसने घर पे पेन से लिख दिया। ये होमोफोन्स भी इसने कर दिए हैं, तो सारी डिवीजन हो चुकी है कम्प्लीट। अब बारी आती है बैग पैक करने की। बैग पैक करने के साथ साथ एक काम और भी करना है। क्या? नेल आर्ट कर रखा है इसने। आपने भी तो कर रखा है। मैंने तो सिंगल कलर लगाया, इसने देखो डबल डबल कलर लगा के डिजाइन बना रखा है। ये निकाल के सोना है। ओके। ड्रामे देखो इसके, वेकेशंस पे ना जितनी मर्जी नेल आर्ट कर लेना, आपको कोई मना नहीं करेगा। ठीक है। स्माइरा जो डेली बैग लेकर जाती है स्कूल में, वो इतना हैवी होता है, इतना हैवी होता है कि जब मैं स्माइरा को ड्रॉप करने जाती हूँ नीचे तक या स्कूल के गेट से अंदर तक जाती हूँ बैग हैंग करके अपने शोल्डर पे, तब मुझे एहसास होता है कि कितना हैवी बैग है बच्चों का। सर जो बच्चों पे क्या बीतती है, आई कैन अंडरस्टैंड। और स्माइरा की क्लास जो है वो है थर्ड फ्लोर पर, लिफ्ट है स्कूल में लेकिन वो सिर्फ टीचर्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। और बहुत टायर्ड हो जाती है स्माइरा जब घर पे आती है, तो बैग ऐसे रखती है जैसे पता नहीं कितना बोझ था इसके कंधों पे और वो निकल गया है। पत्थर पत्थर लगता है। चलो अब तो रिलैक्स हो गई है, कल से वैसे भरा हुआ बैग नहीं लेकर जाना है। स्माइरा को सिर्फ अपने बैग में रखना है एग्जाम पैड, स्टेशनरी आइटम्स और बुक्स, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है सिर्फ वही, क्योंकि एग्जाम का टाइमिंग 10:00 से स्टार्ट है और 8:00 स्कूल जाना है, तो 2 आवर्स बच्चों को रिवीजन के लिए देते हैं, तो इनके पास बुक्स उस सब्जेक्ट की होनी चाहिए ताकि इनको जो डाउट्स हैं वो टीचर से पूछ सकें। बहुत ही हल्का बैग इसका कल के लिए बनने वाला है, तो स्माइरा ऐसे भाग जाएगी, बैग हैंग कर गया ना, नहीं तो ऐसे 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 जाती है खाते हुए जाती है। और स्माइरा के लिए हमने एक सेपरेट से बैग ले रखा था पहले से ही, जो कि एग्जाम टाइम पे ही ये स्कूल में लेकर जाती है, वो है ये वाला पिंक कलर का, शायद आपने पहले भी कभी देखा होगा, नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। इसको हम पैक करेंगे और जितना मटेरियल इसके अंदर हम रखने वाले हैं, फिर भी ये बैग का साइज थोड़ा बड़ा है क्योंकि अगर सुबह स्माइरा जैकेट पहन के जाएगी तो बाद में इसको गर्मी लगेगी, तो वो जैकेट भी इसमें आ जाए और वाटर बॉटल भी इसको चाहिए और लंच बैग अलग से इसका होता है। तो चलो देरी ना करते हुए जल्दी से करते हैं इस बैग को पैक। तो सबसे पहले स्माइरा आप इस बैग में क्या रखने वाले हो? एग्जाम पैड। और एग्जाम के लिए जो भी स्टेशनरी स्माइरा ने बाय की थी उसका व्लॉग ऑलरेडी लाइव है, जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर देखिए। और ये एग्जाम पैड स्माइरा ने बाय किया था बारबी थीम का पिंक कलर का। इसको अब हम अनरैप करेंगे। पेपर निकालने के बाद देखो इसकी फिनिशिंग कितनी प्यारी हुई है। एग्जाम पैड तो फिट आ गया है बैग में। उसके बाद कुछ जरूरी चीजें जैसे कि सैनिटाइजर, और साथ में मैं स्माइरा को पेपर सॉप्स भी देती हूँ क्योंकि स्कूल में सॉप्स अवेलेबल नहीं होता है, वॉशरूम्स में इतने सारे बच्चे होते हैं तो स्कूल वालों के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको ये पैकेट्स दे देती हूँ जब भी इसको वॉशरूम जाना होता है या फिर लंच स्नैक्स से पहले हैंड वॉश करने होते हैं, तो स्माइरा के पास सोप होता है, इसको प्रॉब्लम नहीं होती है, यूज़ कर लेती है और ये अपने फ्रेंड्स में भी बांट देती है। ये पेंसिल बॉक्स स्माइरा ने बाय किया था, आप सबने देखा ही है। पेंसिल शार्प कर दी है और मैम ने बोला है आप पेंसिल जो भी आपको स्टेशनरी आइटम लानी है वो आप किसी ज्योमेट्री बॉक्स में मत लाना, किसी पाउच में लाना। ये क्या लॉजिक है वैसे, क्या एग्जाम्स के टाइम पे बच्चों को क्या क्या बोलते हैं? पता है क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स में वो टेबल्स लिखे होते हैं ना, कुछ कुछ आंसर्स लिखे होते हैं, तो टीचर की ड्यूटी क्या होती है? बच्चों पे निगरानी रखना। बात तो सही है। अरे नहीं, वो छुपके से देख लेते हैं पेंसिल निकालते वक्त। ऐसे कैसे देख लेते हैं? टीचर को ध्यान देना चाहिए ना, टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं क्या आपके? हैं? अरे हाँ भाई हाँ। चेयर में बैठ रहते हैं बच्चे, एग्जाम्स लिखते रहते हैं, वो अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं, रील बनाते रहते हैं। टीचर को राउंड पे रहना चाहिए ना, देखना चाहिए हर एक बच्चे को, जैसे वो बोर्ड के एग्जाम में होता है ना, आपकी बैग की सारी चेकिंग की जाती है, आपका बैग आगे रखवाया जाता है, सिर्फ आपके पास एग्जाम पैड होता है। बैग तो आगे रखवाया जाता है, हमारा भी सिर्फ बॉटल, एग्जाम पैड और पाउच होता है। हाँ चलो ठीक है, टीचर ने बोला माननी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं, और फाइनल एग्जाम ऐसे मार्क्स ना कर जाए स्माइरा का, किसी रूल को फॉलो ना करें, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए भाई, पढ़ाई की है, कब से लगे हुए हैं, इतने टाइम टेबल्स बनाए हैं, इतने व्लॉग्स बनाए हैं पढ़ाई के साथ साथ, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, पढ़ाई करके भी कम मार्क्स आएंगे वो तो फिर गलत हो जाएगा ना। बाकी कोई बात नहीं, आप काटोगे मार्क्स तो काट लेना, मैं तो पेपर्स चेक करूंगी भाई अपनी बेटी के। ठीक है, और स्माइरा ये बुक्स तो रह गई,
एग्जाम पैड के साथ साथ 3 books, 1 notebook, 1 diary. और रिवीजन वैसे तो हो चुकी है, बट फिर भी बच्चों को थोड़ा होता है ना कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं भी थोड़ा पढ़ लूँ. और ये पेंसिल्स इस वाले पाउच में स्मायरा लेकर जाएगी. ये यूनिकॉर्न का पाउच है, स्मायरा के पास पहले से था, हमने नया नहीं खरीदा है. शार्पनर मैं ये वाला दे रही हूँ स्मायरा को. शार्पनर तो एक बहुत है ना, ये कौन सा ख़राब होता है. और ये इरेजर जो इस बॉक्स के साथ हमें मिला था क्यूब वाला, साथ में एक रूलर. और तो कुछ नहीं चाहिए स्मायरा, वैसे यही होता है. और भी कुछ होता है क्या, आप कमेंट्स में बताना मुझे. पेन होते हैं, पेन पेंसिल होता है, बट मैम ने बोला है नॉट अलाउड. तो नॉट अलाउडेड तो फिर नहीं लेकर जाएंगे ना. अगर कुछ मिस हो रहा है स्मायरा की इस पाउच में तो आप कमेंट्स में बताना, ताकि मैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकूं. और ये हैंकी आप रख लो. और स्मायरा को लंच तो नहीं देना है क्योंकि 12 बजे छुट्टी हो जाएगी. स्नैक्स देने हैं, वो कल पैक होगा, कल ही डिसाइड होगा कि मैं इसके लिए क्या बनाने वाली हूँ. 12 बजे स्मायरा घर आ जाएगी. एक वाटर बॉटल भी चाहिए इसको, वो भी हम कल भरेंगे पानी की. मम्मा ने तो आज मज़ेदार खाना बना दिया है, देखो स्टीम राइस, जीरा आलू, दाल, सैलेड और यहाँ पे भी फिर से जीरा आलू है. ये हमारे लिए है, ये स्मायरा के लिए है. और स्मायरा और भी ले सकती है चलो, क्योंकि सुबह से पढ़ाई कर रही है तो अच्छा खाना मिल जाता है तो थकान भूल जाते हैं ना बच्चे. स्मायरा को डिनर करवा के बस सुला दूंगी मैं, क्योंकि सुबह से बहुत टायर्ड हो चुकी है. और फिर हम मिलेंगे आपसे कल नए व्लॉग में. आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना. मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.